अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 24 कैटजन से एंटी सीजर डार्क। अच्छा ये चैप्टर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इसको कहते हैं कि मुश्किल है, बहुत ही आसान इंशाल्लाह करके आपको समझाऊंगा। और इसके जो है ना आपने कैसे इसका तरीका याद करना, सबसे पहले आपने इसकी करनी है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में हम इसको कैसे करते हैं, इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए एंटी सीजर डार्क अगर यूज़ करते हैं तो सीजर है क्या। तो सबसे पहले सीजर की बात कर लेते हैं। सीजर में क्या होता है कि ब्रेन कभी कभी क्या करता है, उसका मोड होता है वो ज़्यादा रैपिड फायरिंग करता है और अनकंट्रोलेबल फायरिंग करता है। तो मैं कहता हूँ रैपिड एंड अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल जो होते हैं ना अनकंट्रोलेबल, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, वेट, अब ठीक है यहाँ पे ये। अच्छा रैपिड एंड अनकंट्रोलेबल जो फायरिंग होती है ना ब्रेन की, फायरिंग ऑफ ब्रेन, उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन काज कर सकता है, बंदा कॉन्शियस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास सीजर में आ जाती है। अब एपिलिप्सी क्या होती है, एपिलिप्सी और सीजर में ये डिफरेंस है कि अगर किसी बंदे को सीजर हो रही है ना और एक सीजर के बाद दूसरा उसको सीजर हो जाता है, उसमें दरमियान गैप नहीं आता या उसके बार बार सीजर होते हैं, हम उसको कहते हैं जो है अब वो एपिलिप्सी का पेशेंट है, मिर्गी का पेशेंट है, ठीक है। अब एंटी सीजर डार्क जो है इसको हम क्लासीफाई कैसे कहते हैं, एंटी सीजर ड्रग की बात करें, एंटी सीजर ड्रग ये हमारे पास जो होती है सिंपल चीज़ को ना आपने समझने से पहले आपको चार जो है ना चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक होते हैं टॉनिक क्लोनिक सीजर, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं पार्शियल सीजर, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ। एक हमारे पास होते हैं फोकल सीजर, एक और हमारे पास होते हैं जनरलाइज सीजर। जो ब्रेन होता है ना ब्रेन, उसमें हमारे पास दो हेमिसफीयर होते हैं, ठीक है। अब किसी एक हेमिसफीयर के एक पॉइंट पे कहीं पे मसल हो तो उसे हम कहते हैं फोकल सीजर है। अगर ये सीजर दोनों ब्रेन को इन्वॉल्व किया हो तो हम इसे कहते हैं जनरलाइज सीजर है, ठीक है। फर्दर ही जो हमारे पास होते हैं फोकल एंड जनरलाइज, ये हमारे पास फोकल जो है वो सिंपल हो सकता है, फोकल पार्शियल हो सकता है या कम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं ना सिंपल या पार्शियल या सिंपल का वर्ड जब हम यूज़ करते हैं सिंपल, तो वो हमारे पास क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि जो सीजर है उसके वक्त कॉन्शियसनेस जो है इम्पेयर नहीं होती। जब हम बात करते हैं कम्प्लेक्स सीजर की, तो कम्प्लेक्स सीजर वो होते हैं जिसमें कॉन्शियसनेस क्या होती है, कॉन्शियस जो है नेस वो नहीं रहती। जब कॉन्शियस नहीं रहती तो उनका कम्प्लेक्स कहते हैं, सिंपल में हमारे पास कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है। तो जो फोकल की आते हैं एक साइड पे होते हैं स्फीयर के, और जनरलाइज के होते हैं दोनों ब्रेन के पार्ट को इन्वॉल्व किया होता है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ सीजर होते हैं जिसे हम कहते हैं टोनिक सीजर। अब टोनिक सीजर हमारे पास क्या होते हैं, टोनिक सीजर होते हैं कि जो मसल है ना उसकी टोन बढ़ जाती है, ऐसे एक जगह पर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं। एक हमारे पास होते हैं क्रोनिक सीजर। अब क्रोनिक सीजर क्या होता है कि वो जो है ना मसल वो फ्लेक्शन करता है, एक्सटेंशन फ्लेक्शन। और टोनिक क्लोनिक में क्या होता है, दोनों होते हैं, टोन भी बढ़ जाती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी होती रहती है, ठीक है। तो टोनिक का फर्क आ गया, क्लोनिक में फ्लेक्शन एक्सटेंशन इस तरह की होती रहती है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास आ जाता है सीजर जिसे कहते हैं एब्सेंस सीजर। अब एब्सेंस सीजर क्या होता है, एब्सेंस सीजर जो है ना इसके हमारे पास क्या आ जाते हैं एब्सेंस सीजर क्या होता है। एब्सेंस सीजर में क्या होता है कि जैसे ये हॉस्पिटल बच्चों में थे, बच्चे एकदम ना आसमान की तरफ देखने लग जाएंगे, 30 सेकेंड या 20 सेकेंड उधर ही घूरते रहेंगे, फिर वो दोबारा क्या करेंगे अपने काम में लग जाएंगे। या क्या हो सकता है, बंदा ऐसे बच्चे लिख रहा है एकदम वो ना वो अपनी बुक को क्या करेगा, स्टेयर करेगा वहाँ पर, तकतकी भी बांध के देखते रहेगा 20 से 25 सेकेंड के लिए, उसके बाद दोबारा वापस आ जाएगा। तो इस स्टेट में जो वो माइंड से वहाँ से हट गया था तो वो, लेकिन वापस जब आएगा उसे पता ही नहीं होगा कि वो जो है ना उसको सीजर हुआ था, ठीक है। और उसको पता नहीं चलेगा कि उस वक्त उसकी कॉन्शियसनेस स्टेट में वो नहीं था, ठीक है। इसे कहते हैं फोकल सीजर कहते हैं, और इसे पैटेड माल भी सीजर कहते हैं, ठीक है, पैटेड माल। तो ये आपको चीज़ें समझानी लाजमी थी कि इसका जो है ना क्लासिफिकेशन जो कहते हैं एंटी सीजर डाक की, उन्हीं की बेसिस पे कहते हैं। कुछ डाक जो हम कहते हैं टोनिक क्लोनिक एंड पार्शियल सीजर के लिए यूज़ करते हैं, एंड जनरलाइज पार्शियल सीजर। जब ये सीजर होते हैं इनके लिए कौन सी डाक यूज़ करते हैं वो देखनी है। फिर हमने देखनी है कि हम मायोक्लोनिक के लिए कौन सी यूज़ करते हैं, मायोक्लोनिक सीजर के लिए। फिर हमारे पास होती हैं डाक जो एब्सेंस सीजर में यूज़ होती हैं, ठीक है, एब्सेंस सीजर में यूज़ होती हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएंगे, सबसे पहले बात करते हैं टोनिक क्लोनिक और जनरलाइज पार्शन में कौन सी डाइज यूज़ होती है। ये आपने याद रखें, ये हमारे पास होते हैं वी एल सी जो प्लेयर नहीं होता कंप्यूटर में, वो वाला हम यूज़ करें, वी एल सी प्लेयर, ठीक है। माइक्रोक्लोनिक में क्या होता है कि आपने पी हटा देना, वी एल सी होता है, ठीक है। और एब्सेंस में क्या होता है, एल को हटा दें, वी और सी होता है, ठीक है। और एक चीज़ नहीं आ जाती है, वो है ई, वी सी ई, ठीक है। वी एल सी प्लेयर, वी एल सी एंड वी सी ई, ये आपने इस तरह से याद कर लेना। कुछ हमारे पास होती हैं और ड्रग जिसे हम कहते हैं बैकअप ड्रग, क्या होती हैं, बैकअप ड्रग होती हैं, ठीक है। अब बैकअप ड्रग में हमारे पास कौन कौन से आती हैं वो बाद में देखते हैं, ठीक है। बैकअप ड्रग, तो ये क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। वी एल सी प्लेयर हमारे क्या कहा जाती है, वी से हमारे पास आते हैं, वी से सबसे बहुत फेमस ड्रग है वालप्रोइक एसिड, वालप्रोइक एसिड जिसे वालप्रेट भी कहते हैं, वालप्रोइक एसिड आ जाता है। एल से हमारे पास आ जाते हैं लिमेट्रोजिन, क्या आ जाते हैं, लेमेट्रोजिन, ठीक है, लेमेट्रोजिन आ गया। इसके अलावा हमारे पास जो है सी से आ जाता है कार्बामेज़ापाइन, क्या आ जाता है, कार्बामेज़ापाइन आ जाता है, ठीक है। और पी से हमारे पास प्लेयर से क्या आ जाता है, फिनोटाइन आ जाता है, क्या आ जाता है, फिनोटाइन भी आ जाता है। और पी से हमारे पास एक ड्रग बनती है जिसे कहते हैं फिनोबार्बिटल, वो भी आ जाता है, फिनोबार्बिटल भी आ जाता है। तो हमारे पास टोनिक कॉलोनी के पार्शियल सीजन में ये सारी ड्रग्स यूज़ होती हैं, ठीक है। माइक्रोक्लोनिक में क्या होता है, वी से उसी तरह, वी से ये जो हमने पढ़ा था वालप्रेट, ठीक है, वालप्रोइक एसिड, ये दोबारा इधर आ जाएगा। एल से लिमेट्रोजिन, एल लिमेट्रोजिन, ये इधर आ जाएगा। सी से यहाँ पे कार्बामेज़ापाइन है, लेकिन यहाँ पे याद रखना आप कार्बामेज़ापाइन नहीं है, बल्कि सी से यहाँ पे क्लोनेज़ेपाम, क्या आता है, क्लोनेज़ेपाम। अब क्लोनेज़ेपाम ये क्या है, मैंने आपको बताया था जो बेंजोडाइज़ेपीन है उसके एंड पे क्या आता है, ज़पाम आता है या जुलैम आता है, ये हमारे पास क्या है, बेंजोडाइज़ेपाम। तो समझ आ गई कि जब हम पढ़ रहे थे सेडेटिव हाइपनोटिक, वहाँ पे मैंने बताया था कि जो हमारे पास बेंजोडाइज़ेपीन है वो सीजर में भी हम यूज़ करते हैं, तो क्लोनेज़ेपाम इधर यूज़ होती है, ठीक है। अब ये जो है ना वी सी, इसमें वी से तो उसी तरह वालप्रेट आ जाएगा, तो वालप्रेट तीनों में यूज़ होता है, ये काफ़ी अच्छी ड्रग है। और सी से हमारे पास यहाँ, जैसे यहाँ पे क्लोनेज़ेपाम है, ये भी क्लोनेज़ेपाम है, सी से क्या है, क्लोनेज़ेपाम, ठीक है। अब दरमियान में आ गए ई चीज़, ई जो है ना यहाँ पे नई चीज़ है, ई से हमारे पास क्या बनता है, एथोसैक्सीमाइड, क्या है, एथोसैक्सीमाइड आ जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एथोसैक्सीमाइड एमसीक्यूज़ में पूछते हैं, वाइव में पूछते हैं कि एब्सेंसीज की सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी है, तो है एथोसैक्सीमाइड। तो हमने तीन पढ़े हैं, हम टोनिक कॉलोनिक है, जनरलाइज पार्शियल के हैं, वी एल सी प्लेयर यूज़ करते हैं जिसमें वालप्रोइक एसिड, लिमेट्रोजिन, कार्बामेज़ेपाइन, फिनोटाइन, फिनोबार्बिटल। माइक्रोक्लोनिक सीजर के लिए हम कहते हैं वी एल सी पी हटा देंगे, वालप्रेट लिमेट्रोजिन लेके कार्बामेज़ेपाइन की जगह यहाँ पे क्लोनेज़ेपाम आ जाएगा। इसी तरह ये वी से वालप्रेट और सी से क्लोनेज़ेपाम आ जाएगा, ई से एथोसैक्सीमाइड आ जाएगा, ये एब्सेंस सीजर की है। एथोसैक्सीमाइड आपको याद होना चाहिए, बेशक आप ये याद ना भी करें, एब्सेंस सीजर में एथोसैक्सीमाइड। ये जो बैकअप ड्रग है ना वो अब एक एक करके जो है ना हम देख लेते हैं, उनको देखने से पहले जो सब इनके पहले पढ़ लेते हैं कि इनके मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन क्या है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यार, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे बुक में एक एक डाक का अलग अलग लिखे हुए, तो मैंने सोचा कि आपको क्या कराता हूँ, एक ही जगह पे इकट्ठा करा के देता हूँ ताकि आपको ना इस तरह से याद रह जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ डाक जो होती है ना वो हमारे पास क्या करती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती हैं, क्या होती हैं, कैल्शियम चैनल जो होते हैं ना उनको ब्लॉक करती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होती हैं, ठीक है। अब कुछ हमारे पास जो होती हैं वो कैल्शियम चैनल नहीं बल्कि सोडियम चैनल ब्लॉकर होती हैं, ब्लॉकर होती हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कुछ ड्रग्स होती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होगी, ये होगी। कुछ ड्रग्स हमारे पास होती हैं वो ग्लूटामेट रिलेटेड होती है, वो आपको मैं समझाता हूँ अभी, ग्लूटामेट रिलेटेड, ठीक है, ये होती हैं। अब इनका कैसे कैसे याद करना है आपने, याद ये मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ, कुछ कैल्शियम चैनल सोडियम चैनल ब्लॉकर, ये देखो सीजर में ना रैपिड एंड अनकंट्रोलेबल फायरिंग ऑफ ब्रेन हो रही थी, तो मैंने फायरिंग को कम करना है, फायरिंग को कम करूंगा तो मैं क्या उसको एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर दूंगा या इनहिबिटरी, शाबाश इनहिबिटरी दूंगा ना, क्योंकि फायरिंग ज़्यादा हो रही है, मैं चाहता हूँ फायरिंग कम हो, सिग्नल कम जाए, तो एक्साइटेबिलिटी कम हो, तो एक्साइटेबिलिटी कम करने के मैं एक्साइटेबल न्यूरोट्रांसमीटर कम करूंगा और जो हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर उसको ज़्यादा करूंगा। तो इसको समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये हमारे पास एक एक्साइटेटरी जो ग्लूटामेट है वो ऐसे रिलीज होता है कि यहाँ पे उसके पास होता है एक चैनल, ठीक है,
ये ऐसे होता है कि यहाँ उसके पास होते हैं सोडियम चैनल। क्या होते हैं? सोडियम चैनल होते हैं, ठीक है। सोडियम चैनल क्या होता है? जैसे एक्शन पोटेंशियल आया, सोडियम अंदर आया, सोडियम अंदर आया, इससे क्या होती है? डीपोलाइजेशन होती है। तो डीपोलाइजेशन से क्या होती है? वोल्टेज पैदा होता है। अब वोल्टेज पैदा होता है, वोल्टेज पैदा होने की वजह से यहाँ पे जो होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल तब ओपन होते हैं जब कोई एक्शन पोटेंशियल आता है या सोडियम की एंट्री होती है। अब क्या कहते हैं, जब जैसे ही वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आता है तो यहाँ पे जो ग्लूटामेट वेसिकल है वो यहाँ पे फ्यूज़ होता है और यहाँ से जो है ये है ना रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट क्या है? ये हमारे पास ग्लूटामेट, ठीक है। ग्लूटामेट को मैं क्या करना चाहता हूँ? कम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो हमारे पास एक्साइटेटरी है, तो मुझे तो इनहिबिटरी चाहिए। मैं इसको कम कैसे करूँगा? अगर मैंने कैल्शियम चैनल या सोडियम चैनल को मैं बंद कर दूँ, पहले मैं सोडियम चैनल को बंद कर दूँ या फिर हम कैल्शियम चैनल को बंद कर दूँ। तीसरा हमारे पास होता है कि अगर इन दोनों को मैं कम ना करूँ, कोई ऐसी चीज़ दे दूँ जो को ग्लूटामेट जो है ग्लूटामेट के रिलीज़ को इनहिबिट कर दे, यहाँ पर जो है मतलब कैल्शियम अंदर भी आ जाए फिर भी वैसे का रिलीज़ ना हो, तो वो चीज़ होती है उसे कहते हैं SV2A। क्या होती है? यहाँ पे हम कुछ ना प्रोटीन लगा देते हैं जो कि जब इधर अटैच होती हैं तो ये यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता, उसको हम कहते हैं थ्री पॉइंट। अब थ्री पॉइंट में क्या होते हैं? SV2A प्रोटीन ऐड करने वाले मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ सोडियम चैनल ब्लॉकर कौन सी है जिसकी वजह से नीचे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम नहीं ओपन होते। तो सॉरी, पहले की बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं ये आपने याद रखना है। एक वो निमोनिक है, ये निमोनिक को कैसे याद रखना है? वैग पी। अब वैग पी से क्या बनता है? वी से उसी तरह जैसे पीछे चल रहा है वालप्रोइक एसिड, ठीक है। वालप्रोइक एसिड कह दो या वालप्रोएट कह दो, वालप्रोइक, मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ वालप्रोइक। ई से क्या पढ़ा था? एथोसैक्सीमाइड। तो एथोसैक्सीमाइड ये ई से एथोसैक्सीमाइड शॉर्ट करके मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एथोसैक्सीमाइड। जी से हमारे पास क्या आ जाएगा? जी से हमारे पास आ जाएगा गैबापेंटिन। क्या आ जाएगा? गैबापेंटिन। और पी से हमारे पास आ जाएगा प्रीगैबलिन। गैबापेंटिन एंड प्रीगैबलिन, ये हमारे पास चार ड्रग्स हैं जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं। अब गैबापेंटिन, प्रीगैबलिन ये क्या है, ये थोड़ा सा ना मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।